प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको ले चलूंगा धर्मशाला और मैक्लोडगंज। जब आप माता शेरावाली के दर्शन करने के लिए आते हैं कांगड़ा में, तो रास्ते में ही ये पड़ता है। रास्ते में आपको थोड़ा सा आगे चल के आप धर्मशाला पहुंच जाएंगे, फिर वहां से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास मैक्लोडगंज और है, तो आप दोनों जगह एक साथ घूम सकते हैं। इस समय हम हैं धर्मशाला के स्टेडियम में, तो मैं आपको धर्मशाला और मैक्लोडगंज के 6 फेमस स्थानों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं धर्मशाला के स्टेडियम में। ये क्रिकेट स्टेडियम है और भारत का सबसे ऊंचाई पर होने वाला स्टेडियम है। यहाँ पर क्रिकेट के बहुत सारे मैच भी होते हैं। तो ये हम आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। आप देख सकते हैं ये स्टेडियम है, यहाँ पर आपको बैठने के लिए स्थान भी मिलेगा। आप देख सकते हैं ये हरा भरा स्टेडियम है और काफ़ी सुंदर स्टेडियम है। देखने में स्टेडियम काफ़ी सुंदर लगता है। जब यहाँ मैच होता है तो ये सीटें भर जाती हैं, यहाँ पर आके बैठते हैं लोग और मैच का आनंद उठाते हैं। आप भी मैच का आनंद उठाइए। अब हम आपको ले चलते हैं टी गार्डन में। आपने अगर चाय के बागान कभी नहीं देखे हों तो आइए हमारे साथ देखिए चाय के बागान। ये भी धर्मशाला में है चाय के बागान। इन्हीं चाय की पत्तियों का आप चाय पीते हैं, इन्हीं पत्तियों से चाय बनाई जाती है जिसको कि आप पीते हैं। ये काफ़ी देखने में सुंदर लगते हैं। आप यहाँ घूम सकते हैं और देख सकते हैं कितने सुंदर चाय के बागान हैं यहाँ।
धर्मशाला से अब हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज की ये डल लेक है, ये भी बहुत सुंदर लेक है। छोटी है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसके चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जो कि देखने में इस झील को और आकर्षित कर देते हैं। झील के सामने एक रोड है जिससे कि आप माउंटेन व्यू देखने जा सकते हैं यहाँ से, वो भी एक बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं और डल लेक को आप देख सकते हैं। मैक्लोडगंज में ही अब हम चलते हैं दलाई लामा जी के घर। यहाँ पर दलाई लामा जी का घर है मैक्लोडगंज में, जो काफ़ी बड़ा है। जब आप रास्ते से जाते हैं तो आपको रास्ते के दोनों तरफ कुछ दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आपको आध्यात्म से रिलेटेड सामान मिलेगा और भी बहुत तरह की आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सामान मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि वो अलग ही तरह का होगा, जिसको हैंडमेड ज़्यादा कहेंगे आप। तो यहाँ इस रास्ते से आप गुजर के जाएंगे तो आप दलाई लामा जी के घर पहुँच जाएंगे। Thank you.
अब हम आ चुके हैं दलाई लामा जी के घर। ये बहुत बड़ा घर है, टूरिस्ट प्लेस भी है यहाँ पर। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी लगी है, मूर्तियां तो कई लगी हैं यहाँ पर, आप इनको देख सकते हैं और यहाँ पर आप ध्यान भी लगा सकते हैं, कुछ आसन प्राणायाम भी कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं भक्षु नाग मंदिर और वहीं से आगे जाएंगे हम वाटरफॉल। वाटरफॉल और मंदिर का रास्ता एक ही है, इस रास्ते से होकर हम मंदिर भी पहुंच जाएंगे और वाटरफॉल भी। चुके हैं भक्षु नाग मंदिर के पास में और यहीं से आगे वाटरफॉल है। आगे जाके हम बाएं तरफ मंदिर की तरफ मुड़ जाएंगे, जहां से कि सीढ़ियां जाती हैं, उन सीढ़ियों से होके हम मंदिर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है भक्षु नाग मंदिर ऊपर है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। यहां थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के आप मंदिर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ मंदिर के ही नीचे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, जो देखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए, ये स्विमिंग पूल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आके नहा सकते हैं आप। गर्मी के मौसम में भी आपको यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी मिल जाएगा। मंदिर से नीचे उतरकर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपको वाटरफॉल दिखाई दे जाएगा। वो देखिए, सामने वहाँ वाटरफॉल है और वहाँ से ये वाटरफॉल का पानी बहते बहते यहाँ तक आता है। यहाँ पर भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं, ये भी काफ़ी फेमस स्थान है यहाँ का। ये रास्ता वहाँ तक जाता है जहाँ से वाटरफॉल आ रहा है। आप इस रास्ते पर आगे चल के वहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए, जब आप
मैक्लोडगंज में एंटर करेंगे तो इसी रास्ते से होके आएंगे। यहाँ आपको कार पार्किंग नज़र आएगी और यहीं आपको आगे चल के थोड़े से होटल मिल जाएंगे। आप यहाँ आके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं,